आज हम बढ़े माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक में इसके मजीद कंट्रोल्स के बारे में। तो हमने यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट लिया है जिसमें हम इसके फॉर्म के टेक्स्ट पे लिख रहे हैं मोर कंट्रोल्स। तो हमारे पास जो नए कंट्रोल्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे, उसमें हमारे पास एक है कॉम्बो बॉक्स, दूसरा है हमारे पास डीप पिकर, तीसरा है हमारे पास आइटम चेक बॉक्स, और चौथा है हमारे पास यहाँ पे जो आ रहा है लिस्ट बॉक्स, ठीक है। और पांचवा हमारे पास जो है वो इसमें कंट्रोल है जिसका नाम है रेडियो बटन, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से एक दो और तीन ऑप्शन को यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे कंट्रोल्स हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। एक कंट्रोल और भी है जिसका नाम है पिक्चर बॉक्स, ठीक है। ये कंट्रोल कैसे काम करते हैं इनको हम देखते हैं। देखिए इन कंट्रोल्स में अगर कहें तो इनके नाम लिख दूं आगे जी सर, नाम सब चलिए लेबल ले लेते हैं यहाँ पे। इसका नाम है डेट पिकर और इसका एक कंट्रोल कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। और यहाँ पे इसको रख लिया, यहाँ पे इसको रख लिया, यहाँ पे इसको रख लिया, यहाँ पे इसको, ठीक है। अब इनके फॉन्ट साइज थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, एक पिक्चर ले लीजिए, रखना पिक्चर बॉक्स में, बस पिक्चर बॉक्स से आ रहे का नाम क्या है? ऑप्शन बटन भी कहते हैं इसको, ठीक है। सही हो गया जी, बुट हो गया मेरा पता, सही काम हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं जी, बुट्टा सही काम है। अरे रात रेली में भी इधर मरा तो छोड़ के जी बुट्टा हो गया। तो इसके ऊपर यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ पे करते हैं आगे काम। तो यहाँ पे क्लिक करके अब इनके भी फॉन्ट साइज जो है थोड़े से इंक्रीज कर लेते और फॉन्ट पे चले जाते। तो यहाँ पे इस तरह से नजर आएगा। अब देखिए ये वाला जो डेट कंट्रोल है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम समझ लेते हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी है इसकी मिन डेट। मिन डेट का मतलब ये है कि ये आपको कहाँ से डेट दिखाना शुरू करे, मतलब आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ये 1990 से आपको डेट दिखाए मिसाल के तौर पे, तो आपने कहा भाई 1/1/1990 से पीछे की डेट नहीं दिखाया आपको। तो अब आप जब कैलेंडर में यहाँ पे रन करेंगे अपनी एप्लीकेशन को और जब आप यहाँ से कैलेंडर पे क्लिक करेंगे तो ये आप जैसे जैसे यहाँ से पीछे जाएंगे, ये देखिए 1990 से पीछे का डेट आपको शो नहीं करेगा। इसी तरह से आप इसको मैक्स डेट भी बता सकते हैं, ठीक है। तो मिड डेट के बाद आप ऊपर जाएंगे मैक्स डेट, तो ये मैक्सिमम डेट कहाँ तक की आपको दे, जैसे 31 दिसंबर 1998 आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, मतलब 31 दिसंबर 2024 से आगे की डेट ना दें। तो यहाँ पे क्लिक करके आप लिख देंगे 2024, तो अब ये इससे आगे की डेट ही आपको नहीं दिखाएगा। ये देखिए कैलेंडर में, सही है।
तो एक तो इसके ऊपर ये हो सकती है। अच्छा दूसरा ये कि ये जब भी अभी स्टार्ट होता है तो आपको करंट डेट दिखाएगा, जो आज की डेट आपके यहाँ पे सेट होगी वो यहाँ पे दिखा रहा है। आप इसको ये भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि ये वो डेट दिखाए जो आप चाहते हैं, तो यहाँ पे जाके आप वो डेट टाइप कर देंगे, और सॉरी यहाँ पे नहीं बल्कि इसकी एक प्रॉपर्टी है वैल्यू में, यहाँ पे वो डेट आप टाइप कर देंगे या सेलेक्ट कर लेंगे तो वही डेट ये फिर आपको दिखाएगा। अच्छा फिर हमारे पास इसके बाद अगला कंट्रोल है जिसका नाम है कॉम्बो बॉक्स। हाँ इस वाली सेटिंग में चेंज हो जाएगी, कल 27 का है क्योंकि टुडे वाला फंक्शन लगा हुआ है ना इसके ऊपर। अच्छा इसके बाद अगर आप आगे जाते हैं कॉम्बो बॉक्स के ऊपर, तो कॉम्बो बॉक्स क्या चीज़ होती है, इसके अंदर आप डेटा कलेक्शन में स्टोर कर सकते हैं। कैसे, इसकी जो प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे कॉम्बो बॉक्स की वो है आइटम्स। जैसे इस आइटम प्रॉपर्टी पर आप क्लिक करेंगे यहाँ जाएंगे तो वो आइटम्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर आप ऐड कर देंगे, जैसे आपने ऐड कर दिया शदादपुर, यहाँ पे ऐड कर दिया टंडोआदम, हैदराबाद, कराची, सांगढ़, कराची, और जैसे इसको ओके करेंगे यहाँ से आप इसको रन करेंगे एप्लीकेशन को, यहाँ पे आप देखेंगे कि वो सारे आइटम्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। अच्छा इसके अलावा इसके ऊपर आप शुरू से चाहते हैं कोई चीज़ लिखी हुई नजर आए तो उसके लिए आप इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और वहां लिखेंगे चूज सिटी, तो ये अब आपको शुरू से दिखाई देगा उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा अब आते हैं आइटम चेक बॉक्स। चेक बॉक्स के अंदर आइटम्स होंगे जिनको आप चूज कर सकते हैं, जैसे इसमें भी आप जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो आइटम ही यूज करेंगे और आप इसमें जो भी आइटम सेट कराएंगे उनको चूज करेगा, जैसे जैसे जैस कैश, इजी पैसा, बैंक अकाउंट, सादा पे, क्रेडिट कार्ड, तो पेपाल, तो कौन से आपके पास अकाउंट है उनकी डिस्क्रिप्शन को आप देने के लिए ओके कर देंगे, वो सारे आपको इसके अंदर नजर आ रहे होंगे। इसमें से फिर बंदा जो है चेक कर सकता है जो जो सर्विसेज उसको रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे इस तरह से चेक लगा सकता है और वो सिलेक्ट हो जाएंगे, इनमें ऑलरेडी चेक बॉक्सेस बने हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा अब आते हैं लिस्ट बॉक्स के ऊपर। अब लिस्ट बॉक्स में क्या हो रहा होगा, इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसमें भी आइटम्स वाली कलेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे ऐड करा लेंगे। सपोज चूंकि आपने यहाँ पे ऐड कर दी इंग्लिश, सिंधी, उर्दू, पंजाबी, बलोची और इसको लिख के ओके कर दिया, तो अब यहाँ पे रन करेंगे इसको आप, तो आप देखिए यहाँ से एक सिलेक्ट कर पा रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे आप मल्टीपल सिलेक्ट कर पा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। तो लिस्ट बॉक्स और चेक लिस्ट बॉक्स में ये फर्क है। अच्छा दूसरा चलते हैं आगे इसके आगे। अब रेडियो बटन्स में क्या होगा कि हमने रेडियो बटन्स के मुंह पे लिख दिया सपोज टू बी टेक्स्ट बॉक्सेस पे, यहाँ पे हमने लिख दिया मेल, यहाँ पे हमने आगे दूसरे वाले को सिलेक्ट किया और उसमें लिख दिया टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके फीमेल, और यहाँ पे तीसरे वाले को सिलेक्ट किया और उसमें क्या लिख दिया हमने अदर्स। अब आप नोट करें यहाँ पे जाके कि आप इनमें से कोई भी एक चेक कर पाएंगे, सही है। तो ये रेडियो बटन का काम है मल्टीपल ऑप्शन में से कोई भी एक सिलेक्ट करना। अच्छा रेडियो बटन की शक्ल को भी आप चेंज कर सकते हैं, सिलेक्ट करेंगे इसकी एक प्रॉपर्टी है और इसका एक प्रॉपर्टी है वो उसका नाम है इसकी एक और प्रॉपर्टी है सर सर्च वगैरह नहीं कर सकते हैं प्रॉपर्टी कर सकते नहीं को बटन में भी कर सकते हैं, इसका मोड प्रॉपर्टी थी वो, चलो कभी मिलेगी तो बताऊंगा। अच्छा ये आपका आ गया पिक्चर बॉक्स, इस पे आप यहाँ क्लिक करके अपने कंप्यूटर में से कोई भी पिक्चर इसमें लगा सकते हैं। ठीक है और उसको क्या करेंगे ओके, फिर यहां से इसको साइज मोड को सेट करके इसकी प्रॉपर्टी को हम स्ट्रेच कर सकते हैं तो पूरे बॉक्स के अंदर ऐसे एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है तो आपको पता चला कि कॉम्बो बॉक्स को कैसे यूज कर सकते हैं, चेक बॉक्सेस को कैसे यूज कर सकते हैं और फिर इसमें से सिलेक्शन मोड अगर ऐसा रखना हो या एप्लीकेशन के इंटरफेस में या यहाँ इमेज लगाना हो तो यहाँ लोगो भी लगा सकते हैं इसके अंदर बना के। ठीक है आप भी इनको बना के चेक करके देख लें।